और इस जंग के बीच दावा तो ये किया जा रहा है कि इजराइल ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर चुका है, जिसमें हमास को घेर कर मारा जा रहा है। नेतन्याहू सेना की पूरी प्लानिंग ये है कि सुरंग में ही घेर कर हमास के आतंकियों को दफन कर दिया जाए। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। इसराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में 30,000 के करीब बड़ी इमारतों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिट्टी में मिला दिया है। आईडीएफ के दावों के मुताबिक इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके जिंदा ही दफन होने लगे हैं। जैसे ही इसराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट बम और मिसाइलों से इमारतें उड़ाई जा रही हैं, वैसे ही इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगों पर बिल्डिंग का मलबा कब्र बनकर गिर रहा है। हमास के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर आते हैं तो इजरायली सेना पिन पॉइंट से सीधे बम उस पर दाग देगी, और अगर वो सुरंग में रहते हैं तो तबाह इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगें मलबे में दब रही हैं। आईडीएफ के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके पूरे परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं, जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। והמלחמה על פי תוכנית. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה. F-16, F-35 ने शीर डाला गाजा। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में पिछले 18 घंटे से इजरायली वायुसेना ने 150 लड़ाकू विमानों से अंधाधुंध बम और मिसाइलें बरसाई हैं। 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान से फाइटर जेट और जमीन से इजरायली टैंक और तोपखाना हमास सुरंगों पर सीधा हमले कर रहे हैं। खबर आ रही है कि आईडीएफ ने जुहोर अद-दिक में टैंकों से भीषण हमला किया है। इसके अलावा गाजा सिटी, अल जदीदा, रिमान, शाती रिफ्यूजी कैंप, जबालिया पर टैंकों, तो बख्तरबंद रॉकेट से इसराइल ने कम से कम 800 हमले किए हैं। इसराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट ने गाजा को लगभग चीर डाला है। तबाह इमारतें और मलबे से लाशें निकालते फिलिस्तीनी लोगों को इसराइल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में इसराइल के हमले का दूसरा चरण बेहद खतरनाक है। पहले कहा जा रहा था कि इसराइल की सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से कतरा रही है, लेकिन अब जिस तरह से हमास के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं उससे हमास के आतंकी डरे हुए हैं। दूसरा चरण शुरू। गाजा में 10 गुना खून खराबा। इसराइल में जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। इसराइली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ये इसराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसराइलियों को लंबे और कठिन अभियान के लिए तैयार रहना होगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जंग में हमारा मकसद एकदम साफ है, हम हमास को खत्म करके बंधकों को वापस घर लाएंगे। हमास हमले से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है। हमें मानवता और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमास को जड़ से मिटाना होगा। यही वजह है कि गाजा में इस वक्त 10 गुना मौतें होना शुरू हो चुकी हैं। गाजा की तबाही देखकर 22 मुल्कों से बनी अरब लीग ने इसराइल को बहुत बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल में एक प्रो फिलिस्तीन रैली के दौरान कहा था कि वो इसराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। एर्दोगन ने साफ कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए हम दुनिया के सामने इसराइल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे।
IDF ने दावा किया है कि हमास आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करके उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। उधर पश्चिम मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने नॉर्दर्न गाजा को जंग का मैदान घोषित कर दिया है और लोगों से गाजा छोड़ने को कहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हवा से पर्चे फेंके हैं। पर्चों में लिखा है कि उत्तरी गाजा से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि अब पूरे उत्तरी गाजा में कॉर्पेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त गाजा के चप्पे चप्पे पर इजरायल की डिफेंस फोर्स की नजर है। नेतन्याहू के सेना के टॉप कमांडर गाजा में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और हमास के आतंकियों को यहां चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा चरण शुरू। गाजा में 10 गुना खून खराबा। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ने 4 मिनट के एक वीडियो में दावा किया है और कहा है कि इजरायल सेना युद्ध के अगले स्टेज में आगे बढ़ रही है। IDF के चीफ हलेवी ने दावा किया है कि इजरायल के सबसे अच्छे सैनिक और कमांडर गाजा में ग्राउंड पर हैं और पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना ने हमास के कमांडरों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना जारी रखा है। खबरों के मुताबिक IDF के 150 फाइटर जेट्स ने 72 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा हमले गाजा पट्टी में किए हैं। 27 अक्टूबर की रात हुई भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिसमें दर्जनों हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। गाजा इंतजार कर रहा है। गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रही है। इजरायल की IDF हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है। खबर के दावों के मुताबिक 1700 से ज्यादा लोग इमारतों के नीचे दफन है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली नेवी ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे और आराम से हमास लड़ाकों को मारकर भाग गए। IDF ने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजिशन को निशाना बनाया है। F-16, F-35 ने चीर डाला गाजा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा से दक्षिण इजरायल में फिर से भारी संख्या में रॉकेट हमास ने दागे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी अश्कलून शहर में कुछ रॉकेट गिरे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में हमास के रॉकेट गिरे हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर में भी अब इजरायल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान से मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इजरायल के PM नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इजरायल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות.
गाजा पट्टी में इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट हमास के लिए सर्वनाश साबित हो रहा है। दिक्कत यह है कि मुस्लिम मुल्क जाकर भी हमास के हथियारों से मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान दांत पीसने को मजबूर हो रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान को तबाह करके रख देगा। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में इजराइल का दूसरा चरण हमास को गाजा पट्टी में कहां-कहां दफन करता है।